सोहेल हत्याकांड में दो और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रामनगर में बीते दिनों सोहेल की गुमशुदगी और उसके कत्ल होने से सनसनी फैल गई थी, जिसके चलते पुलिस ने कई टीमों का गठन कर धरपकड़ शुरू कर दी थी, जिसके चलते चार दिन पूर्व हत्या में लिप्त भरतारिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी कड़ी में पुलिस ने आज दो और लोगों को किया गिरफ्तार। अभी एक अभियुक्त फरार है। वही एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश आर्य ने बताया कि सोहेल हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त की तलाश और जारी है। इस हत्याकांड में लिप्त अल्टोकार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस हत्याकांड में अगर किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो पुलिस को जो लीड मिले थे उसके आधार पर सोहेल सिद्दीकी की हत्या की पुष्टि हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त भरत आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे ये गिरफ्तारी हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो उनके परिजन भी यहाँ मौजूद थे और शहर के गणमान्य लोग भी थे। तो सोहेल हत्याकांड थाना रामनगर में आज दो और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम योगेश और दिनेश टमटा है। दिनेश टमटा इसमें पहले से ही वांछित चल रहे हैं और अब जो घटनाक्रम इसमें पता चला है, इसमें दो के बजाय चार अभियुक्तों का शामिल होना चला, जिसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त मन्नू नेपाली अभी फरार है, जिसके प्रयास किए गए हैं। घटनाक्रम में ये चारों लोग शामिल थे और घटना के दिन इसकी दुकान से 200 मीटर आगे उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी और जब मोटरसाइकिल से मृतक सोहेल मूवमेंट जब उसने किया आगे को चला, तो पीछे से भरत ने दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे से टकराकर सोहेल नीचे गिरा। उसके बाद इन्होंने रॉड से ताबड़तोड़ उसका प्रहार किए, उसके मौके पर ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्होंने सबको सजलट थाना क्षेत्र में, जो कि मुरादाबाद जिले में पड़ता है, वहाँ फुड़बुड़ कर दिया। दिनेश टमटा उसकी मोटरसाइकिल को लेकर पीछे से गया। उसके बाद उन्होंने इस साथ से छुपाने के उद्देश्य से अगले दिन अपनी जो कार इस्तेमाल की थी उसको साफ किया और कार संचार वाले के पास बाजपुर में उसकी सीट डबल और अन्य सामान छीन लिया, जिससे कि कार में कोई ट्रेस ना रहे। इस कार को इन्होंने लावारिस हालत में बैलपड़ाव क्षेत्र में फुटबुट कर दिया। यहाँ पर भरत ने प्री प्लान के हिसाब से दूसरी कार खरीदी जो उसी रंग की थी और ऑल्टो कार थी और उसको पुलिस को बरामद किया। घटनाक्रम में अभी तक तीन लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक अभियुक्त मन्नू नेपाली फरार है। इसमें जो दो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी उनको बरामद कर लिया गया है। जो आला कतल इसमें इस्तेमाल हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है और मृतक की जो मोटरसाइकिल जो कि सदर थाने में बंद थी उसको लेकर आया गया है। इन आज जो गिरफ्तार हुए हैं दोनों को ही आज गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।